गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास प्लस टू फिजिक्स। जी हाँ, हमारा चैप्टर चल रहा था, जी हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट सेकंड। जी हाँ, ये नेक्स्ट पार्ट चल रहा है हमारा। जी हाँ, और हमने लास्ट में पढ़ लिया था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल्स के बारे में, न्यूमेरिकल्स भी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, EMF के बारे में हमने रिलेशन भी पढ़ा था, हमने EMF का, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का और इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो इसका हमने रिलेशन भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे, जी हाँ, ग्रुपिंग पढ़ेंगे आज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज़ ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। अगर हम नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स को ग्रुपिंग कर दें तो उसकी टोटल करंट क्या पास होगा उसमें, या टोटल करंट कितना पास होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम इसमें से पढ़ेंगे सीरीज ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, ये ध्यान से आपने इसको रखना। वैसे होती है तीन तरह की, मिक्सड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स ही हो जाते हैं, तो ये दोनों से ही बन जाएगा मिक्सड ग्रुपिंग। क्लियर है, तो पहले पढ़ते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, हमने ये देखे सेल्स हैं, ये ए बी EMF इसकी EA मान लेके चलते हैं। एट व्हेन एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस आर, ठीक है, तो इसे कहेंगे हम नेगेटिव, मतलब इसका मतलब है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है ऑफ वन सेल की, वो कनेक्ट हो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ अदर सेल एंड सो ऑन, इसे कहेंगे इलेक्ट्रोड द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब ये देखें ना, हमारा पॉजिटिव पार्ट कौन सा, ये सेल का, तो ये नेगेटिव पार्ट है। अगर ये नेगेटिव पार्ट अगले पॉजिटिव पार्ट के साथ कनेक्ट हो, किसके, अगले सेल के, और एक सारे सेल आइडेंटिकल सेल हैं, मैंने बता दिया, ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स हैं बहुत सारे जुड़े हुए, तभी इसमें डॉट 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 डाला है, ठीक है, तो टोटल, तो ठीक है, तो इसे कहेंगे हम सीरीज़ में। तो वो क्या है, हम सीरीज़ में लगे हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है आर, करंट दौड़ रहा है पॉजिटिव से जाएगा, सिंपल बात है, करंट जाएगा यहाँ से और नेगेटिव की तरफ। क्लियर है, ओके, तो इक्विवेलेंट टोटल EMF क्या होगी सभी की, ई प्लस प्लीज एन टर्म्स, मतलब एन इंटू ई, एन टाइम्स ई, जितने भी नंबर ऑफ सेल्स लगे एन टू ई। क्लियर है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, ये इसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी स्मॉल आर, इसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी स्मॉल आर, इसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ऐसे अप टू एन टर्म्स, अप टू एन रेजिस्टेंसेज एन इंटू आर। ओके, अब पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, एक तो होगी रेजिस्टेंस इसके कारण, दैट इज इक्वल टू एन टू एन इंटू आर, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस नंबर ऑफ सेल्स इंटू आर, एक होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल आर, बाहर वाली एक्सटर्नल, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी एन आर प्लस आर। क्लियर है, तो करंट क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल कितना है एन इंटू ई, क्योंकि टोटल EMF कितनी है एन इंटू ई पोटेंशियल, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है ई। अब हम इसके स्पेशल केस पढ़ेंगे भी करंट किस समय ज़्यादा होगा। तो देखिए, पहला केस, अगर ये बाहर वाली रेजिस्टेंस बहुत कम हो, वेरी लेस देन एन आर, तो हम इस आर को क्या कर देंगे, इग्नोर कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आर नेगलेक्ट हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, एन ई अपॉन एन आर, एन एन कैंसिल ई बाय आर, तो मतलब करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, EMF मतलब वोल्टेज, जितनी वोल्टेज एक सेल की वोल्टेज है अपॉन जितनी उस सेल की रेजिस्टेंस है। मतलब अगर ये वैल्यू बाहर भी बहुत ज़्यादा कम हो, तो द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट में, जो सर्किट है उसमें करंट कितना होगा, सिंगल सेल के इक्वल होगा, जितना सिंगल सेल में, सिंगल सेल में क्या होगा, करंट इज इक्वल टू सिंगल, अगर मैं सेल लूँ, एक हमारे पास सेल है ई, उसमें करंट कितना हो गया, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर ही होगा ना, अगर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस आर है तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, तो उसके इक्वल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखने बात, ठीक, क्लियर है। केस टू, केस वन होगा, केस टू, अगर बाहरली रेजिस्टेंस इज वेरी मच लार्जर देन एन आर, तो एन आर को नेगलेक्ट कर देंगे हम, तो आर, अगर हम एन आर को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एन ई आर, एन ई अपॉन आर, तो इट्स का मतलब अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं किसी सर्किट में, अगर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में, तो एन टाइम्स हो जाते हैं इसके, एक सिंगल सेल के, एक सिंगल सेल के, मतलब अगर एक सिंगल सेल है उसकी एन टाइम्स हो जाएगा अगर हम उसके, उसका रेजिस्टेंस क्या बाहर लाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा दें। क्लियर है, तो हमें यह कंक्लूजन मिला, फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट ड्रान मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है जब बहुत ज़्यादा हाई होगी, ध्यान रखना, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वैल्यू एक्सटर्नल वेरी हाई कंपेयर टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ अगर हम उसे कंपेयर करें तो। ओके, आगे है हमारे पास पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग समझ आ गया, पैरेलल ग्रुपिंग में समझ लो, पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब है अगर एम, इसमें उसमें एन नाम लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एम ले लिया, ये कन्फ्यूज़न ना हो बच्चों को, तो एम आइडेंटिकल सेल्स हैं, EMF उसकी ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द कनेक्ट
ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड एट अ वन पॉइंट और नेगेटिव टर्मिनल टू द अदर पॉइंट। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल सारे एक पॉइंट पे कनेक्ट हैं और नेगेटिव टर्मिनल सारे दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट हैं, तो उसे हम कहेंगे सेल्स आर इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ। क्लियर है? ओके, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल हो तो उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होती है, 1/R1 + 1/R2। अगर ये सेल्स सबकी रेजिस्टेंस 1/R ही है तो उसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1/RP + 1/R up to m टर्म्स अगर m नंबर ऑफ सेल्स है तो क्या हो जाएगी टोटल। अगर मैं इसे पीछे लिखा था n टाइम्स r, तो ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं m टाइम्स 1/RP। 1/RP मतलब 1/R लिख लो चलो, क्योंकि सारी 1/R ही है, तो m टाइम्स हो गया जितनी m टाइम्स है, ठीक है, m/R। तो ये आ गया हमारे पास m/R। देखो ना ये नंबर ऑफ टाइम्स था 1/R up to m, m टर्म्स मतलब m/R। जैसे 2 + 2 + 2 है अप टू 100 है, तो हम लिख सकते हैं उसको 100 × 2 सिंपल, तो मतलब वो 200 होगा, अगर वो सिंपल सी बात है ना मैथमेटिक्स। ओके, तो इसमें RP की वैल्यू निकाल लो, RP की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको रेसिप्रोकल करेंगे R ऊपर चला जाएगा M नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ये आपने ध्यान रखना है। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी सर्किट की, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक यहाँ लगी है जो, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल्स के कारण R/m। क्लियर है? तो करंट कितना होगा इसमें, करंट होता है वोल्टेज, पोटेंशियल कितना है E है सभी में, m टाइम्स E, ठीक है। तो चलो सिंपल, चलो E ले लो, सभी की E है, क्योंकि अगर हम क्योंकि यहाँ पर हम एक ही वोल्ट मीटर लगाएंगे ना तो सभी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो E ले सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे सॉल्व करेंगे तो ये m ऊपर चला जाएगा, m टाइम्स E हो जाएगा, mR + R, इसे सॉल्व किया गया, इसको सॉल्व किया गया, ठीक है। स्पेशल केस, पहला केस, अगर हम सिंपल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम कर दें तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगी वैल्यू, जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो जोड़ा आई आएगा वो आएगा एम टाइम्स इंटू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, एम टाइम आएगा, ये देखें एम ई अपॉन आर दिख रहा है ना आपको, m e/R, ये रहा, ठीक है। तो ये आ गई हमारी पहली वैल्यू, पहला केस। सेकंड केस देखें, अगर बहुत ज़्यादा कर दें अगर हम बाहर के रेजिस्टेंस को, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो सिंपल किसकी इक्वल आ गई, e/R सिंगल के सेल के। तो मतलब इन केस अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो करंट कब मैक्सिमम ड्रॉन होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज़्यादा लो होगी। ये दो टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, एरो ऊपर का मतलब ज़्यादा होगी तो करंट ड्रॉन मैक्सिमम होगा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट मैक्सिमम विड्रॉन होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका न्यूमेरिकल दूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आपका आज होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू।